सुबह सुबह का समय है, मैंने मंदिर की सफाई कर ली है नहा धो के, और जोत जली हुई है, इसमें और तेल डालूंगी। और माता का मुंह हाथ भी धुला दिया मैंने, माता को स्नान करा दिया। और ये ले रखे हैं मैंने फूल, और फूल चढ़ाऊंगी। पूजा वगैरह, पूजा की सामग्री सारे रखी हुई है यहाँ पे, पूजा कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता कुमावनी। तो गाइस सुबह के बजे हैं 7:30 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है। तो आजकल ना बच्चों की छुट्टी है, तो मैं सुबह मतलब मैं फटाफट, मेरा यही काम हो रहा है कि पूजा वूजा करने का, नहाना धोने का, तो मेरा काम हो जा रहा है फटाफट। तो मैंने पूजा भी कर ली है, अब मैंने चाय बना रखी है, बच्चे भी सब उठ गए हैं और चाय बना के चाय पी रही हूँ, लाल चाय पी लेती हूँ फिर अब। अभी इसका हाथ पैर गए? अच्छा, हाथ बनाने रह गए, घाघरा पैर नहीं बना रहे, घाघरा बस नहीं खा रहे। चिप्स वालो गाइस, गाइस चिप्स वालो, चिप्स मांग रहे। अदरक वाली चाय बहुत मस्त बन गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता कुमावनी। तो गाइस सुबह के बजे हैं 8:30 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है। तो आज अष्टमी है, तो हम लोग तो नवमी करते हैं, नवमी को पूजते हैं कंचे का हम, और कन्या नवमी में नवमी को बिठाते हैं। और आज कई लोग आज बिठा रहे हैं, तो गली में कंचकों की बड़ी भीड़ लगी हुई है। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल तैयार होके, सुबह से तैयार हो रखे हैं। आज संडे है तो सब लोग आराम से कर रहे हैं, मतलब में सबकी छुट्टी है, फिर आराम आराम से कर रहे हैं। पर बच्चे ना सुबह सुबह उठ के तैयार होके सुबह से घूम रहे हैं। तो आज हम लोग कल करेंगे, और मैंने भी अब चाय बना रखी है, चाय पी रहे हैं। तो गाइस सुबह का बज गए हैं 11, और 11 बज चुके हैं और राज भी उठ गया है। तो हम लोगों का तो बर्थ है तीनों का, सगुन का, मेरा और उसके पापा का, और राज का बर्थ नहीं है। तो इसके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता लंच साथ में ही बना देती हूँ, मतलब मैं जब मर्जी खाए अभी। और इसके पापा गए हैं दीदी के वहाँ पे, वो बड़ी वाली दीदी के वहाँ पे थे, और वहाँ पे उनकी लड़की का कुछ इंक्वायरी चल रही है ना, पुलिस केस हो रखा था, तो वहाँ पे ऑफिस वाले आ रहे होंगे आज। तो ये लोग, ये
शगुन के पापा वहाँ पे गए हैं और हम लोग हैं घर पे। तो आज हम कल बैठाएंगे नवमी, और मैं दीदी के वहाँ भी सोच रही हूँ मैं कल रात को जाऊँगी वहाँ। एक ही दिन गई थी, उसी दिन गई थी, फिर बाद में शगुन के पापा हुआ है एक दो बार, तो फिर मैंने कहा कल रात जाऊँगी वहाँ पे। उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ, फिलहाल नाश्ता बना के दे देती हूँ। चाय वगैरह हम लोगों ने तो पी ली है। उसके बाद मुझे थोड़ा सिलाई का काम भी करना है। मैंने थोड़ा अस्तर धो के अभी सुखाने डाल रखा है, जब तक सूखता है तब तक मैं नाश्ता वगैरह बना के दे देती हूँ राज को, फिर मैं सिलाई के काम पर लग जाती हूँ। तो एक को ना बिना बर्तन का भी रहना जरूरी है, क्योंकि खाना वेस्ट हो जाता है। कल रात की देखना सब्जी बची हुई है ये, फिर आज रात आज को हमारा सबका बर्तन होता ना, तो ये सब्जी सारे वेस्ट चली जाती। तो राज का नहीं है, तो उसके लिए रोटियां सेक रही हूँ, तो ये वाली सब्जी चल जाएगी। तवा गर्म हो गया है तो खाना वेस्ट नहीं जाएगा। तो गाइस शाम के 7:30 हो चुके हैं, रात के, आजकल तो रात ही हो जा रही है, इतने बजे 6 बजे अंधेरा हो जा रहा है। तो मैं खाना बना रही हूँ। खाने में आज मैंने आलू भी बॉईल कर रखे हैं। शगुन के लिए ना आलू बनाने पड़ते हैं, वो कद्दू की सब्जी पसंद नहीं है, और बाकी मैंने कद्दू की सब्जी काट रखी है, और ये काट रखे हैं इसमें टमाटर, इसमें जीरे का तड़का लगाऊंगी, और ऐसी सिंपल सी बनाऊंगी सब्जी। उनके पापा आ चुके हैं और कल हम कंचक बिठाएंगे ना, तो उसके लिए कुछ सामान लेके आ रखे हैं, अभी अभी आ ही रहे हैं। तो ये बच्चों को देने के लिए है, बच्चे भी तो ज़्यादा हो जाते हैं। पहले तो गाय मिलते ही नहीं हैं बच्चे, फिर ना बच्चे इतने मिल जाते हैं कि ज़्यादा हो जाते हैं। चल तो हम एक्स्ट्रा ले आते हैं ताकि कोई बच्चा अपने घर से खाली हाथ ना जाए। तो गाइस रात के बज गए हैं 9:30 और हम लोगों ने खाना तो खा लिया है। तो अब शगुन के पापा गए हैं छत पे टहलने के लिए, और बच्चे बाहर टहल रहे हैं। मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए हैं, ये देखो, और मैंने कल की तैयारी भी कर दी है। मैं जो कल कंचिका के लिए बनाने वाली हूँ ना मैं, तो वो भी मैंने चने भिगो दिए हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखना चने मैंने भिगाने डाल दिए हैं, और इसमें डाल रखे हैं मैंने दाल बड़ बनाने के लिए। ये मैंने भिगाने के लिए डाल दिए, सुबह तक फूल जाएंगे, फुलाने के लिए रख दिए मतलब। वो कल ना वहाँ दीदी लोगों के घर पे मैं भी जाऊँगी शायद, शायद के मतलब मैं उस दिन एक ही बार गई, फिर उस दिन से गई नहीं। सोच रही हूँ कल चली जाऊँ, कल इतने दिन से मेरे व्रत भी थे, फिर मन नहीं कर रहा था कि ऐसे जाने का। तो अब ये भी चले गए थे, फिर शगुन के पापा भी 2-3 बार चले गए थे, इसलिए भी नहीं गई मैं। और ये यहाँ पर नहीं होते तो फिर मुझे जाना ही पड़ता, चाहे व्रत हो चाहे कुछ हो। तो मैं गई एक ही बार गई हूँ, फिर मैंने कहा कल हो आती हूँ दीदी के पास। तो कल सुबह बिठाएंगे कंचका, तो फिर शाम के टाइम में जाएंगे शायद। मैं सोच रही हूँ रात वहीं रहूँ, और परसों सुबह सुबह आएंगे फिर घर को। तो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो कल फिर मिलेंगे आप लोगों को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।